Okay, it's basically an movement for the awareness to support a couple of NGOs, ठीक है, मैं सपोर्ट कर रहे हैं एनजीओस को जिसमें ऑर्फन बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, एंड बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें रेप विक्टिम्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड सर्टनली इसमें रिस्पेक्टेड मदर टेरेसा का सेवाधाम हमारे साथ है, ठीक है, तो इन सबको हम लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट ब्रिंगिंग टू दी अवेयरनेस टू द पीपल, दैट्स ऑल इट इज़, बिना ही कि हमको कोई एनजीओ, ये हमारा एनजीओ नहीं है, जस्ट अ मूवमेंट एक्चुअली है, वॉक इज अ मूवमेंट बट नॉट एन एनजीओ टू बी प्रिसाइज। हमारे साथ अब तक 10 हैं और हमारी खास तौर पे कोशिश ये है कि जो एनजीओज हमारे साथ जुड़े वो उनकी रीच नहीं है, दे डू नॉट हैव अ गुड रीच इन पीपल, जो बहुत ही मुश्किलों से चल रहे हैं, सो हम उनको स्पेशली सामने लाना चाहते हैं कि लोगों के सामने आए, लोगों को दिखाई दे कि और भी ऐसे नाम हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। These NGOs, they don't even have enough supplies to at least give them basic needs. जो basic needs भी होती हैं लोगों की, जैसे खाना कपड़े, वो भी नहीं है उनके पास, छत भी लीक हो रही है एंड ऑल दैट, तो वी आर जस्ट ट्राइंग दैट दिस वे वी कैन हेल्प देम, एट लीस्ट मोर देन 1,000 किड्स, इवन एजुकेशन वाइज देर आर मोर देन 1,000 किड्स हु विल एट लीस्ट गेट एजुकेशन फूड थ्रू आउट द ईयर। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनकी राशनिंग हो जाए, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर लुकिंग एट। द सेकेंड इज वी आर लुकिंग एट द एजुकेशन, वी वॉन्ट आर नेशन, द कमिंग नेशन, दे आर आर नेक्स्ट जनरेशन, हमें चाहिए कि हमारे इस आने वाले जनरेशन को हम पढ़ाएं लिखाएं, उनको रेडी करें, क्योंकि कल हमें उनको ही फेस करना है, ठीक है। एंड दूसरे हैं जो हमारी एल्डर ओल्ड एज होम जो ये हैं संस्था हैं जिनमें बड़े बूढ़े हमारे वो रह रहे हैं, उनको सपोर्ट, क्योंकि वो लोगों ने उसमें, कुछ एक ऐसे लोग हैं हम जिनको जानते हैं जो अपने वक्त के काफ़ी नामचीन लोग रह चुके हैं, बट आज वो एक ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिनों के इंतज़ार में हैं, विच इज़ रियली सैड। तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ लोगों में अवेयरनेस आए, लोग समझें कि जो हुआ है, जो हो रहा है, बच्चों को देखें, ये हमारा कल है आने वाला, बूढ़े जो हैं वो हमारा गुजरा हुआ कल है। सलमान खान, कटरीना कैफ, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, एंड बिपाशा बासु, शिल्पा शेट्टी, ठीक है, और काफ़ी जगहों से हमें, ज़्यादातर जगहों से हमें पॉजिटिव रिप्लाइज आए हैं, दे आर वेरी कीन ऑन दिस थिंग, दे आर इन सपोर्ट, सम ऑफ देम पर्सनली आई डोंट वांट टू नेम कि जो इतने बड़े स्टार हैं, बट उन्होंने यहाँ तक हमको मतलब कहलवाया है कि इफ़ दे आर अवेलेबल ऑन दैट स्पेसिफिक डेट दे वुड लव लव टू सपोर्ट एंड कम फॉर दिस इवेंट, ठीक है। आपने ये जो इवेंट आप करा रहे हैं, इसमें आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या आपने इसको फैशन शो का नाम जो दिया है वो? सर्टनली हाँ, फैशन शो का ये है कि इसमें हम लोग साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ नए बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो लोग भी आएं, अपना जो भी पढ़ रहे हैं वो लोग, तो वो लोग भी अपना अपना हुनर दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ऐसे होता है कि ये इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आपका लेबल एक जाना माना लेबल माना जाए, बट यहाँ से ये होगा कि उस बच्चे को वाइल्ड दे आर स्टडिंग, पढ़ते वक्त ही उनको उनकी नाम और उनका लेबल जो है वो शोहरत में आ जाएगा, ये एक रीज़न है कि आने वाले बच्चों को, एंड सर्टनली वी आर लुकिंग एट कि जो शो हो रहा है ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं है, ये टोटली एक इंटरटेनमेंट शो है, क्योंकि जाहिर बात है आज इंटरटेनमेंट सभी को चाहिए, इंटरटेनमेंट की वजह से हम इंटरटेनमेंट को लेकर हम लोग ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली अ फंड रेजिंग इवेंट, राइट, Havoc 2014। और इसमें इवन कुछ परफॉर्मर्स भी हैं, इट्स नॉट जस्ट फैशन शो, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ मेगा इवेंट, इसमें परफॉर्मर्स आएंगे जैसे योगेश जी हैं हु तबला इज माइस्ट्रो यस, जाकिर हुसैन साहब के तो वन ऑफ द शागिर्द, वन ऑफ द राइट, एंड स्टूडेंट, देर आर परफॉर्मर्स, डांसर्स, सो इट्स लाइक अ एंटरटेनमेंट इवेंट, नॉट जस्ट अ फैशन शो। ये कितने समय के लिए चलेगा? ये एटलीस्ट फॉर 8 to 10 आवर्स या एटलीस्ट।
कितने डिजाइनर जुड़े हुए हैं आपके इवेंट में? हमारे इवेंट में टोटली आप अगर बच्चों को और सबको मिलाकर देखा जाए तो नॉट लेस देन 70-75 डिजाइनर्स. तो क्या बच्चे भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? जी हां, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं हु आर लर्निंग द फैशन डिजाइनिंग. राइट, नॉट द बच्चे मींस किड्स, बट वी आर ट्राइंग टू से द न्यू अपकमिंग, द अपकमिंग डिजाइनर्स, दे आर आवर फ्यूचर. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द बिगेस्ट स्टार्स लाइक सलमान, कैटरीना, ऐश्वर्या ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड मैनी अदर स्टार्स. हैवॉक 2014 ये इतना बड़ा ग्रैंड शो हो रहा है ये, ठीक है. एंड इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस को इसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं. 1000 से 1500 बच्चों को इसमें साल भर का उनका राशनिंग, उनके रहने का, उनके पढ़ाई लिखाई का ये सब खर्चा उठाया जा रहा है. तो सर्टनली वी आर लुकिंग एट एन एट अ वेरी ग्रैंड लेवल, यू नो, कि इसमें सर्टनली हम चाहेंगे कि जैसे बताया रिच ने कि सलमान, कैटरीना, ऐश्वर्या मैम, सो साथ में मैं चाहूँगा कि अगर अमित सर भी अगर आ जाएं तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज नथिंग वुड बी बेटर देन दैट देन. यस, होपफुली. Yes, yes, certainly, yes, and certainly in the end, don't forget कि उनकी availability is very important. If they are free on that specific date, तो certainly ये लोग सारे सारे वहाँ पर आने का हमें assurance दिया. Yes, they all will be seen on the same platform in this event. Salman Khan, Katrina Kaif, Aishwarya Rai Bachchan, they all will be seen on the same platform. सर्टनली यस, जैसा कि रिच ने बताया है कि इसमें सीनियर बच्चन सर एंड ऐश्वर्या, सलमान खान, कैटरीना कैफ, ठीक है. एंड यस सर्टनली वी हैव अप्रोच देम ऑफिशियली एंड हमें वहाँ से अश्योरेंस आया है एज पर द अवेलेबिलिटी दे विल बी अवेलेबल एंड दे विल बी जॉइनिंग दिस इवेंट टू सपोर्ट. द ओनली रीज़न इज कि उनकी तरफ से एक ही आया कि टू सपोर्ट दिस मोमेंट. They are very keen on doing this.